गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लास्ट 1.4 की एक्सरसाइज जो रियल नंबर्स है उसका हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था टर्मिनेटिंग टर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। जो हमने टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत संख्याएं हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत संख्याएं। जो टर्मिनेटिंग टर्म्स थी हमने उसके लिए क्या था, जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बोले थे कि जो डिनोमिनेटर पार्ट्स के फैक्टर्स हैं वो 2, 5 है या 2 और 5, ठीक है, ओनली 2 है या ओनली 5 है या 2 और 5 है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म्स, शांत संख्याएं। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आज का सेकेंड जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन, की उसको हमने डेसिमल में लिखना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अब विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब उनमें से जो रैशनल नंबर्स हैं, उनमें से जो हमारे टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, उनको हमने डेसिमल में एक्सप्रेशन में राइट करना है, डेसिमल में लिखना है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। पहले तो हमें यह चेक करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारी शांत कौन सी है, अशांत कौन सी है, टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। तो सबसे पहले बिल्कुल हमने कह रहा कि जो डिनोमिनेटर पार्ट के फैक्टर किए थे, जिन फैक्टरों में हमारे 2 और 5 आए थे वो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, शांत संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स दे रखा है उनके एक देखते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन कौन सी है। तो यहां पे इसके फैक्टर्स हमारे हुए थे 8 के, 2 की 3 थी इसके हुए थे, यहां पे नहीं हुआ था, हो गया था 7 की थी तो 7 आ गया तो नहीं हुआ था, यहां पे 7 है तो नहीं हुआ, यहां पे आपने इसको मीनिंग 2/5 है तो ये भी हुआ था, हमने यहां पे तो ये भी हमारा हुआ था, ये 7 पे है तो ये 3 पे हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ था। पहला पॉइंट तो हमने देखिए कि टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 जो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं। तो हमने ये 6 के 6 क्वेश्चन को हमने डेसिमल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है, हमने दशमलव प्रसार में इसको लिखना है, दशमलव प्रसार में इसको लिखना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट 13 की पावर 3, 1, 2, 5, मैंने बताया था इसके हम फैक्टर करेंगे, तो जो हमारे फैक्टराइजेशन का सिस्टम था 3, 1, 2, 5 पे 5, 6, 30, 5, 2, 10, 5, 5 जा 5 पे 1, 2, 5, 5 पे 5, 5, 7, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 13 by 5 की 5, ओके। अब एक बात आइए, नॉर्मल सी भाषा में लिखते हैं हम, मैंने 2 मल्टीप्लाई में 5 लिखा तो 10 हो जाएगा, नॉर्मल बात है। यदि मैं यहां पे क्योंकि 1, 1 थी, यदि मैं 2 की 2 लिखूं और 5 की भी 2 लिखूं तो वही यहां का 4 होगा, यहां का 25 तो 100 हो जाएगा। तो वही बात हमारे पास है, हमने इनकी पावर्स को सेम करके उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी टर्म से डिवाइड कर देंगे और वो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस के वे में, तो मैंने इस क्वेश्चंस पे 5 की पावर 5 थी तो मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से डिवाइड, तो 13 का 13 2 की पावर 5 32, हमने देखा यहां पे 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, या हम इसको ऐसे भी वर्किंग 13 2 जा 26 2 हो गया, तो यहां पे 10 की 5, तो 10 की 5 का मतलब क्या बोलेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.00416, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। सिर्फ हमें याद रखना है क्योंकि हमारे पास शांत संख्या थी, ठीक है, हमारी टर्मिनेटिंग टर्म थी तो उसमें केवल फैक्टर 2 और 5 थे, 2 और 5 आते हैं तो हमें उसी टर्म से, क्योंकि हमें 10 करना है नीचे, 10 करना है तो 5 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, उसी टर्म से डिवाइड कर लिया गया, तो नीचे हमारे पास 10 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 5 का मतलब ये वर्किंग, और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो हमारा सेकेंड पार्ट है,
हमारे पास था 17/8, 17/2 की पावर 3, 17/2 की पावर 3, तो हमारे पास 17/2 की पावर 3 है, तो हमारा काम वही 5 की 3 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को और न्यूमिनेटर को भी, तो हमारे पास 17 हो गया जी। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, तो फिर हमारे पास 17 5 जा 85 की 8, 17 2 जा 34, 34 और 2 42, तो 4 कैरी, 17 1 जा 17 और दिस 21। ओके तो यहां पे कितना होगा 10 की पावर 3, तो कितना होगा 2125 बाय बाय, देखा हमने कितना हमारे पास 1000, तो 2.125 गेट आंसर। समझे नहीं आया तो देख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट हो सकता है। हमारे हमने देखा 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें चाहिए था यहाँ पे 10, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है दशमलव प्रसार में। तो मैंने बताया था जो नीचे टर्म्स हैं उसी की 2 है तो 5 से, 5 है तो 2 से, तो 2 था यहाँ पे, तो इसीलिए जो पावर 2 की थी सेम पावर से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से डिवाइड। तो हमने देखा 17 5 85 का 5 हासिल आ गई, हासिल ली हमने 8, 17 2 34 34 और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 1 जा 17 17 1 जा 17 17 और 4 21, ठीक है। हमने 1000 से डिवाइड किया क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 के बाद दशमलव आ गया और ये हमारा आंसर हो गया हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो हम फोर्थ पार्ट में, ठीक है, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट में हमारा टर्मिनेटिंग टर्म्स नहीं थी। 15/1600, सबसे पहला काम तो वही कि ये डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, ठीक है, 5 3 जा 15, 1 कैरी, ठीक है, 5 2 जा 10, 0 का 0, 3/3 2 0। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, आपको पता है यहां से हम देखें तो 32 को हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर 5, फिर हमारे पास 10 होता है, 10 को 2 मल्टीप्लाई में 5 भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट बताना चाहूं तो यदि आप डायरेक्ट समझ पाओ तो 2 की पावर तो 6 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। तो हमने देखा यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 की पावर, क्योंकि यहां से 2 ऊपर क्यों गया, 2 की पावर 5 हमारी पेंडिंग बनती है, तो हम 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई देंगे, तो 5 की पावर 5 का 325 बाय, तो कितना होगा यहां पे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 बाय 10 की पावर 6, 3 4 5 6, तो वही बात, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 0.0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम पहुंच गए 6th पार्ट में, 23 की पावर 2 की 3 5 की 2, तो यहां से हम देखें तो 2 की 2 इंटू में 5 की 2 तो कंप्लीट, परंतु एक 2 हमारा पेंडिंग बचता है, तो इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे। तो मीनिंग कहने का मतलब है 23 मल्टीप्लाई में 5 बाय में 2 की भी 3 होगी और 5 की भी 3, तो मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 बाय 5 और 2 10, 10 की पावर 3, 115 बाय 1000 मीनिंग 0.115 कन्वर्ट इनटू डेसिमल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम, देखिए नेक्स्ट हमारा है, हमारे पास
नंबर एट्थ पार्ट है, टू बाय, ये हमारे पास था 6/15, तो हमने डिवाइड किया पहले 3 पे, 3 2 6, 3 5 15, तो हमने देखा क्या 5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 2 4, 5 2 10, तो मीनिंग हम 0.4 कन्वर्ट टू इनटू डेसिमल एक्सप्रेशंस। जो हमारा फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, हमारे पास था 35/50, हमने देखा 7 5 5 7 35, 5 10 50, तो हम डायरेक्ट इसको 0.7, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के यही पार्ट थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 पे, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, मीनिंग रैशनल है या नॉट का मतलब इरैशनल है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, मीनिंग हमारे पास पहला पॉइंट तो हमें ये हमें क्या बोल रहा है, द रियल नंबर्स, ये सभी जो हमें पार्ट दे रखे हैं वो रियल नंबर्स हैं, बट रियल नंबर तो है, बट इसने यहां से क्वेश्चन पूछा रैशनल और इरैशनल, रैशनल इरैशनल, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैशनल में कौन से पार्ट्स हैं और इरैशनल में कौन से, तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं बट रिपीट हो जाएगा। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कैन डिवाइड बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल, दोज पी बाय क्यू फॉर्म क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड नॉट रैशनल या इरैशनल, इरैशनल नंबर्स। तो हमारे पास रैशनल नंबर्स, इस पे हमने दो पार्ट्स किए थे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्म्स, और यहां पे थी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, रिपीटिंग टर्म्स, ठीक है, रिपीटिंग टर्म्स का मतलब जैसे 0.3 के ऊपर पार हो, उन्हें बोलते हैं रिपीटिंग टर्म्स। यहां पे तो 0.56 जिसका एंड पॉइंट्स हो जाता है, मतलब ठीक है, बार बार रिपीट भी ना हो, सिंगल्स वर्क में हो, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, ठीक है, और जो बार बार रिपीट होती है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म्स। बट इरेशनल में जो टर्म्स हैं वो भी हमारी नॉन रिपीटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन रिपीटिंग, मीनिंग कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड पॉइंट तो नहीं है बट नॉन रिपीटिंग मतलब वो सेम की सेम नहीं आ रही, मतलब रिपीट नहीं कर रही। एक बात बताइए, मैंने यहां पे क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 1 2 5 1 2 7 1 2 9, मीनिंग 1 2 तो चल रहा है परंतु 1 2 3 आ गया, 1 2 5 आ गया, 1 2 7, मीनिंग कहीं ना कहीं हमारा बार बार कुछ माइनर चेंज हो रहा है, तो वो रिपीट तो नहीं, रिपीट का मतलब तो सेम, मैंने कहा जैसे 0.333 मीनिंग 0.3 ऊपर बार, वो तो सेम रिपीट होती है, तो उसे बोलते हैं रिपीटिंग टर्म्स, और जो सेम क्लॉकवाइज सेम पैटर्न पे नहीं चलती तो उन्हें बोलते हैं नॉन रिपीटिंग टर्म्स। जो नॉन रिपीटिंग होती हैं बट नॉन टर्मिनेटिंग है उन्हें हम बोलते हैं इरैशनल टर्म्स या नॉट रैशनल। बट यहां पे मैंने रैशनल बता दिया, चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं रैशनल। तो हमने इस दो चीजों के बारे में हमने बताना है कि वो क्या क्या है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 3.12345678 9, यदि हम डेसिमल को यहां से फिनिश करते हैं तो हमारे 9 टर्म्स थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 10 की पावर 9, जो 10 की पावर 9 है
तो पहला पॉइंट तो पी बाई क्यू फॉर्म हो गया 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर भी 9 कह सकते हैं। तो हम इसको फिर 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बाई 2 की 9 मल्टीप्लाई में 5 की 9 भी बोल सकते हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट तो यहीं से हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म्स है, टर्मिनेटिंग टर्म्स है टर्मिनेटिंग टर्म्स या टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो देन क्या हुआ, देन पी बाई क्यू फॉर्म, तो रैशनल, तो इट इज एन रैशनल, तो ये हमारे पास रैशनल होगी। तो हमने देखा, फिर हम लिखे देन क्यू प्राइम फैक्टर, प्राइम प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज 2 एंड 2 की पावर कोई भी m एंड 5 पावर n आवर बोथ, 2 है आवर 5 है आवर बोथ है, एंड की बजाय और ले लीजिए, या तो अकेले 2 के होंगे या 5 के होंगे या 2 एंड 5 बोथ। तो हमारे पास मेन पॉइंट्स का क्या पूछा था, रैशनल और नॉट रैशनल। तो हमने पी बाई क्यू फॉर्म देखा तो इट इज एन रैशनल, उसने हमने रैशनल बता दिया। फिर हमने जो न्यूमिनेटर पार्ट था हमारा, हर पार्ट था उसके हमने फैक्टर्स करके देखे, 2 और 5 आ रहे थे। हमें यह भी पता है कि जो टर्मिनेटिंग टर्म्स आते हैं उसके फैक्टर्स ओनली 2 और 5 ही आते हैं, यदि यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग होती तो 2 और 5 से अदर होते। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट से जो सेकेंड पार्ट जो हमारे पास आया, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 0.12001200 1200 1200 1200 इस तरीके से ये नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, बट नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स है। नॉन रिपीटिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पे 120 120, परंतु ये 0 एक्स्ट्रा आ गई, यहां पे 120 बट 2 टाइम्स 0 एक्स्ट्रा आ गई, यहां पे 120 3 टाइम्स 0 एक्स्ट्रा आ गई। तो मीनिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि रिपीटिंग के लिए हमें सेम पैटर्न चाहिए। तो यही बात होते ही तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ए रैशनल, तो इट इज एन इरेशनल, इट इज एन इरेशनल ठीक है, हो जाए, या फिर आप एक्स्ट्रा भी लिखना चाहो तो एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग टर्म्स तो देन इट इज एन इरेशनल टर्म्स। हमने बताया था कि जो टर्म हमारी नॉन रिपीटिंग और नॉट सॉरी जो टर्म हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आती है तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल टर्म्स। थर्ड पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस पे हमने देखा कि बार है, बार का मतलब रिपीटिंग टर्म्स है, तो हमने देखा इट इज एन रैशनल, रैशनल हुई, बट रिपीट हो रही है तो बार बार आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी तो है, रिपीटिंग टर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टर्म्स, रिपीटिंग होगी, बार बार रिपीट होती है। तो हमने एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बार बार रिपीट होती है उसको यदि हमने पी बाई क्यू फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 4, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 by 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
क्यों लिखा मैंने आपको एक नॉर्मल भाषा में, कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, जैसे 1, 2, 3 है, बार है, पाई हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाए तो 1, 2, 3 by 9, 9, 9 जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही उसके नीचे 9 कर सकते हैं। तो ये टर्म होगी, तो हमें पता है कि ये 2 और 5 से अदर है, तो हमें सिर्फ इतना सा आंसर देना था क्यू प्राइम फैक्टर या फिर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज अदर देन 2 अवर 5 अवर बोथ, मीनिंग अदर देन 2 एंड 5 कितना भी डाल सकता, अदर देन 2 एंड 5 काफी है। हमने दो, ठीक है, इस पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पॉइंट पूछा था रैशनल और इरेशनल या नॉट रैशनल, उसमें मैंने बताया था यदि हमारे पास 2 times 3 टर्म्स हैं, एक तो टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं वो हमारी रैशनल होती हैं, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टर्म्स आ जाएगी तो वो तो रैशनल है, और यदि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग टर्म्स आ जाएगी तो वो हमारी इरेशनल है। जो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं उसके न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं, क्यू के जो फैक्टर हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, आपको पता है 2 and 5, तो हम क्वेश्चन में क्यू फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज 2 and 2 की पावर m अवर 2 की पावर n अवर बोथ, टू या तो 2 है या 5 है या बोथ है, तो वहां पे हमारे पास क्वेश्चन में इतना ही हो जाएगा। बट वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट हमारे पास रिपीटिंग नहीं है या बार बार रिपीट हो रही है, हम रिपीट, यदि वो नॉन रिपीटिंग होती तो हमारे पास इरेशनल है, तो रैशनल टर्म्स में है और हमारी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और हमारी रिपीटिंग टर्म्स है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे क्यू के, जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू से 2 और 5 से अदर होंगे। तो फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म्स आ जाए तो उसको डायरेक्ट हमें इरेशनल लिखना है, तो उसके क्यू के बारे में हमें बताना ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं।